सबसे पहले चिकन की हड्डियां अलग कर लेंगे, बॉडी अलग कर लेंगे। वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि आपका समय नहीं खराब हो। हड्डियां अलग कर ली है, बोनलेस अलग निकाल लिया है, ठीक है। बोनलेस को धोएंगे मशीन के अंदर, मिक्सी के अंदर कीमा कर लेंगे, और इसको डेली का भी मैं 80-90 ग्राम दे रहा हूँ, तो कीमा डेली इसको चालू कर देंगे। बाकी मच्छी वगैरह जो है, मटन फेट वगैरह है, हड्डियां हैं, इनका बनाएंगे सूप। हड्डियां निकाल लिए, हड्डियों को बर्तन में डाल लिया। इसमें पानी भर देंगे, 1.5 लीटर के आसपास पानी डालेंगे इसके अंदर, ठीक है। पहले 1 लीटर डाल देंगे, उसके बाद में वापस 1/2 लीटर और डालेंगे, अच्छे से पकाएंगे। किस लेवल तक पकाना आपको दिखाता हूँ। सिगड़ी चला दी है, जुगाड़ से बनाई हुई सिगड़ी है। पीपा है, एक साइड से काट दिया, इसमें से अखबार वगैरह डाल के आग लगा देते हैं। अंदर की साइड में जाली लगी हुई है, नीचे दिख रही है आपको, तो अंदर यहाँ पे बीच में जाली लगा रखी है, ठीक है। सिंपल सा जुगाड़ है, कोई भी कर सकता है, फ्री का जुगाड़ है। अब कोई भाई ये मत देख लेना कि कितना कंजूस है, सिगड़ी भी नहीं ले गया 200-300 रुपये की। भाई पैसा मैं वहीं लगाता हूँ जहाँ लगाने की आवश्यकता है, बिना फालतू के अंदर पैसा खर्च नहीं करना। काम ये वही कर रही है और उससे अच्छा कर रही है, ठीक है। इतने कोयलों की अगर सिगड़ी लेके आता 2000 रुपये की आती, ठीक है। इसके ऊपर बनाएंगे अब, थोड़ा सा एक बार ये चालू हो जाए। ये अपनी जाली लगाई, ये 1.5 लीटर के हिसाब से पानी डाल रखा है इसमें, ठीक है। ज़्यादा होगा तो चलेगा, कम मत डालना। अब एक बार ढंग से चालू हो जाएगा तो इसको बंद कर दूंगा नीचे से, ताकि ये मीडियम आंच पे चलता रहे, नॉर्मल आंच पे, ठीक है। अब ये बॉईल होता रहेगा आराम से, आप गैस पे ही बना सकते हो, ठीक है। मीडियम से चालू हो गया है, इसलिए नीचे से बंद कर दिया है, कम आँच पर पकाना कुल मिला के, इसलिए दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसमें कुछ हिलाने का आवश्यकता नहीं है, शुरू में 1-2 बार देख लेंगे ताकि कोई मांस है तो नीचे नहीं चिपके, बाकी इसमें कोई हिलाने की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, ठीक है। नौ देख रहे हो किस लेवल पर कर रहा है। अभी इसको थोड़ा सा और चलने देंगे। रेडी हो गया है, अब इसको छान लेंगे गिलास के अंदर। इसको अच्छे से छान लिया है, स्टील का जरिया है, थोड़ा मोटा है। ये जो हड्डियां बची है इनके ऊपर भी थोड़ा बहुत मांस है, तो अगर आप फ्री हो, बिल्कुल बैठे हो फ्री, आपके पास बड़ा डॉग है या पपी है, कुछ भी है, ये मांस आप छुड़ा के बच्चा कूचा जो हड्डियों पर रह जाता है, ये भी आप पपी को खिला सकते हो, इसमें भी प्रोटीन है। मैं स्ट्रीट डॉग को भी ले जाके दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि अपन इतना झंझट नहीं पाड़ेंगे। मेन जो चीज़ मेरे को चाहिए थी वो है ये, शानदार चीज़ है, गुनगुनी गुनगुनी रहेगी तब इसको पिलाएंगे। कैल्शियम है इसके अंदर, प्रोटीन है इसके अंदर, शानदार चीज़ है, हड्डियों का कस है। तेल दिख रहा है इसमें आपको, तेल सा आ गया ऊपर, ये देखो। सिर्फ हड्डियां डाली थी इसके अंदर, सिर्फ हड्डियां, मांस भी नहीं था, हड्डियों का पूरा कस निकल के आ गया इसके अंदर। अब ये है चीज़, सर्दी बग जाती है डॉग की अच्छे अच्छे की, जुकाम उखाम हो जाए ना उसको पिला दो, बुखार उखार हो गई उसको पिला दो, तगड़ी चीज़ है ये तो, एनर्जेटिक। ये तो हम भी खुद भी पी लेना तो भी शानदार है, मन तो कर रहा है मेरा, पर क्या करें नहीं पीऊँगा सच में